एक्स क्वेश्चन क्वेश्चन से इज इफ पोटेंशियल इन इफ पोटेंशियल इन वोल्ट इन अ रीजन इज एक्सप्रेस एज वी एक्स वाई जेड का हमें फंक्शन दे रखा है इज इक्वल टू सिक्स एक्स वाई माइनस वाई प्लस टू वाई जेड हमें बताना है द तो इलेक्ट्रिक फील्ड uh, न्यूटन पर कूलम में एट अ पॉइंट वन कामा वन कामा ज़ीरो कितनी होएगी नाउ सिंपल सवाल है यहाँ पे अपने को ये पता है कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप और यहाँ पे हम जब ये डेल बाय डेल एक्स कर रहे हैं डेल बाय डेल वाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो आपका वी है उसको सिर्फ और सिर्फ एक्स का वाई का और जेड का फंक्शन मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन सो यहाँ पे बस अपनी वैल्यू रख देनी है वी की जो वैल्यू दी हुई है वो है सिक्स एक्स वाई माइनस वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू वाई जेड अल तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस साइन हमने कॉमन ले रखा है इसको हम एक्स पर डिफ्रेंशियट करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू सिक्स वाई आई कैप प्लस इसको जब हम वाई पर डिफ्रेंशिएट करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस वन और ये बचेगा टू जेड प्लस टू जेड के जे कैप प्लस इसको जब हम जेड पर डिफरेंशिएट करेंगे ये टर्म जीरो टर्म जीरो और ये बचेगा टू वाई के कैप सो ये वैल्यू हो गई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है वन कामा वन कामा जीरो पर सो so, हमारा x, कॉमा वाई कामा जेड का जो कॉम्बिनेशन है वो है वन कामा वन कामा ज़ीरो तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू वन y की वैल्यू वन और z की वैल्यू जीरो uh, रख देनी है सो so, इसको अगर हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आ गई अगर इसमें माइनस साइन बाहर ही रख लेते हैं सो माइनस साइन इसके अगर आप एक्स की वैल्यू रखेंगे Uh, y की वैल्यू वन रखा तो ये हो गया सिक्स आई कैप यहाँ पे x की वैल्यू आपने वन रखी तो सिक्स बना तो ये बना प्लस ये आ गया सिक्स माइनस वन और z की वैल्यू ज़ीरो रखी तो ये j कैप प्लस यहाँ पे y की वैल्यू हमने वन रखी सो तो ये टू के कैप सो दिस विल बी आर फाइनल आंसर सो इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई फाइनल आंसर माइनस सिक्स आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस टू के कैप सॉरी माइनस टू के कैप सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर